आज हम बनाएंगे सिंपल एंड कॉमन फूड रसम वड़ा। वैसे तो कई तरह के रसम बनते हैं, लेकिन मुझे वड़ा के साथ टोमेटो रसम बहुत पसंद है। तो चलिए आज हम टोमेटो रसम वड़ा बनाते हैं। पहले हम रसम पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 5 से 6 लाल कश्मीरी मिर्च, 7 से 8 कड़ी पत्ता, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, 10 से 15 काली मिर्च, 1 चम्मच तुअर दाल और आधा चम्मच हींग। इसे अच्छे से भून लेंगे 7 से 8 मिनट। एक बार ये अच्छे से भून जाए, हम इस मसाले को अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फाइन पाउडर पीस लेंगे। तो चलिए अब हम रसम बनाते हैं। पहले एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम करें, 1 चम्मच राई और जीरा डाल के अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम लंबी कटी हरी मिर्च डालेंगे 2 से 3 और 3 से 4 कली दरदरी कुटी हुई लहसुन देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ता डालेंगे और 2 टोमेटो का प्यूरी डालेंगे। आप चाहो तो बारीक कटी टोमेटो भी ले सकते हो, लेकिन मुझे रसम में पिसी हुई टोमेटो अच्छी लगती है। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हो कि टमाटर अच्छे से भुन गई है। अब हम 1 चम्मच रसम पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हो कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और तेल छूटने लगा है। अब हम 2 चम्मच इमली पल्प डालेंगे और 2 ग्लास पानी डालेंगे। यहाँ पर मेरे टमाटर खट्टे नहीं थे, इसीलिए मैंने इमली का पल्प यूज़ किया है। अगर आपके टमाटर खट्टे हो तो ना यूज़ करें। और 1 कप कुकड तुवर दाल डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इस रसम को अच्छे से मिला लेंगे और इसे धीमी आंच पर लगभग 10 मिनट उबालने रख देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हो कि रसम कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम गार्निशिंग के लिए 1 चम्मच घिसी हुई नारियल और बारीक कटी हुई कोथमीर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तैयार है रसम। इस रसम को आप सूप की तरह भी पी सकते हो और राइस इडली के साथ भी खा सकते हो। तो तैयार है गर्मा गर्म रसम। तो चलो अब हम वड़ा बनाने की रेसिपी देखते हैं। वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप उड़द की दाल और 1 चम्मच मेथी दाना। इसे मैंने 2 से 3 बार धो लिया है और 4 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया है। 4 घंटे बाद मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इसे अच्छे से पीस लिया है। अब हम स्वाद अनुसार नमक और लगभग आधा कप कटी हुई नारियल पीस डालेंगे। आप चाहो तो मिर्ची और अदरक की पीसेस भी डाल सकते हो। अब हम इस बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट। फेंटने से वड़ा एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगा। मैंने कढ़ाई में तलने के लिए तेल गरम करने रख दिया है। अब हम एक बाउल में 1/2 कप पानी लेंगे। पहले अपनी उंगली पानी में भिगो कर थोड़ा सा बैटर लेंगे और अंगूठे से बीच में होल कर देंगे और तुरंत ही गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। इसी तरह हर बार हम बैटर लेने से पहले उंगली को पानी में भिगो कर थोड़ा बैटर ले लेंगे और अंगूठे से छेद करते हुए तेल में छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि हमें गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। पानी में उंगली भिगोने से वड़ा अपने हाथ से ऑटोमेटिक अच्छे से फिसल कर तेल में गिर जाएगा।
मैंने यहाँ पर छोटे वड़े यानी बटन वड़े बनाए हैं। अगर आपको बड़े साइज़ के वड़े बनाना हो तो आप बैटर थोड़ा बड़ा लें और इसी तरह अंगूठी से छेद करके तेल में छोड़ते रहे। वड़ा को पलटा पलटा कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलते रहे। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला हो गया हो तो आप उसमें 2 चम्मच राइस फ्लोर यानी चावल का आटा डाल के अच्छे से फेंटे तो आपका वड़ा और क्रिस्पी बनेगा। देखिए वड़ा एकदम गोल्डन क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं और इसी तरह बाकी बचा हुआ बैटर से भी वड़ा बना ले और इसे गर्मा गर्म रसम के साथ परोसे। तैयार है रसम वड़ा, जो आप ब्रेकफास्ट लंच में भी ले सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।